जो ऑक्सीजन की लोगों को कमी पड़ रही है, हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं जो हेल्प हो जाए। मैं यहाँ पे सिलेंडर रिफिल करवाने आया हुआ था। स्पोर्ट्स खेलते हैं, रग्बी टीम है हमारी, तो हम पूरी टीम मिलकर इस वक्त ये करें कि जहाँ से भी हमें अवेलेबल हो रहे हैं सिलेंडर, हम सिलेंडर ला रहे हैं, जिनके पेशेंट इमरजेंसी में हैं उनको दे रहे हैं। हम लोग एक संस्था है वुल्फपैक करके, स्ट्रीट चिल्ड्रन और जुवेनाइल्स और जनरल यंग एडल्ट्स के एस्पिरेशन बिल्डिंग पे काम करते हैं, द मीडियम ऑफ स्पोर्ट्स रग्बी। चल 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 नो टैकल, हर चीज नो रखना और क्या प्रॉपर टैकल। इसी तरीके से इन पे ऐसे ट्रेन किया है इन रग्बी प्लेयर्स को, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के हिसाब से कि इन्हें एजुकेशन एक्सेस मिले, इनको सारी एक्सपोजर मिले चीजों का, और सोशली सेंसिटिव हो ताकि ऐसी कुछ कैलामिटीज आए तो ये टीम एक साथ आ सके। सो यहाँ पे शिफ्ट्स होती हैं, हम लोगों ने टीम ए टीम बी टीम बांट रखी है। जब ए टीम जागी होती है डिलीवरी रिकवरी रिफिलिंग के अंदर, तो बी टीम सॉरी होती है। बहुत अर्ली स्टेजेस में शुरू किया था तो काफ़ी निराशा होती थी कि जितने भी हमें लीड्स, ऑक्सीजन लीड्स मिलती थी, इवन वेरीफाइड लीड्स जो हमें मिलती थी 12-13 स्टेशंस की, वहाँ पे हमारे सारे दो दो तीन तीन करके वॉलंटियर्स जाते थे। तीन तीन चार चार घंटे खड़े होने के बाद भी हम लोग वापस हमें आना पड़ता था, और SOS रिक्वेस्ट में बड़ी दिक्कत आती थी। बट जब से थोड़ा सा गूंज ने हम लोग को ये स्पेस दिया है और काफ़ी सपोर्ट हम लोग को डिफरेंट हमारे फ्रेंड्स व्रेंड्स जो लोग काम कर रहे हैं उन लोग के सपोर्ट की वजह से अब हम यहाँ पे अपना एक छोटा सा रिफिलिंग स्टेशन क्रिएट कर पाए हैं, जो हम लोग अपने कुछ बड़े प्रोक्योर्ड सिलेंडर्स को भरवाने के लिए बेचते हैं, और ईजिली फिर हम यहाँ से छोटे सिलेंडर्स जो हमने प्रोक्योर किए हैं वो रोटेशन बेसिस पे लोगों को दे पाते हैं। The team, they are delivering oxygen cylinders door to door and they are saving a lot of lives. They not only delivered us the oxygen, even they helped us in filling the oxygen cylinder because we don't have so much of people to help us. तो हम अभी राशन लेके निकले हैं यूपी की साइड, और हम कुछ गांवों में राशन बांटने जा रहे हैं जहाँ की बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है। अब जैसे रूरल एरियाज हैं, बुलंदशहर की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक कंसोर्शियम है 20 विलेजेस का, तो वहां से मुझको कॉल आई कि यहाँ हालत बिगड़नी शुरू हुई है, केस आने शुरू हुए हैं, राशन की कमी पड़ रही है, और दो तीन लोगों और इसके अंदर इंक्लूड किया। वही तो अब जिसपे बीती होती है ना उसको पता चल रहा होता है। मेरे साथ भी अभी बीच में ये होता, जो मेरे को एकदम से अंदर से वो हौसला मिला था ना ये चीज करने का, एकदम मेरे जब पापा की अभी 7 दिन पहले ही डेथ हुई है, एकदम से इतना कोविड बढ़ा है, तो उसी चीज़ को लेके मतलब अपना फील्ड पे रहने का हमें ये भी पता चल रहा है कितना इंडिया किस जगह पर है। बस यही करना है, खाना खाना है, घर जाना है, फिर वापस रिफिल के लिए निकलना है। 2-2.5 घंटे सोएंगे, उसके बाद फिर सुबह में उठना है, फिर नहा धो के फिर निकल जाएंगे रिफिल के लिए, सिलेंडर लेने जाएंगे, सिलेंडर लेके आएंगे, फिर रिफिल कराएंगे लाइनों में लग के, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो दूसरी जगह चेक करेंगे, वहाँ मिला ठीक, नहीं तो दूसरी जगह चेक करेंगे। एक टाइम को ना हमें लाइन में खड़े खड़े ही लगता है अमीर ही जिएगा, अब गरीब तो सारे मर ही जाएंगे। सब लोग मतलब अकेले हम नहीं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने साथ में काम करके इस प्रॉब्लम को टैकल किया था। हम भी कोई डिजास्टर मैनेजमेंट संस्था नहीं है, और हम लोग कभी ये मुझे नहीं लगता कि हमारा काम रहा है ये चीज़, चाहे उस चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो, इसके बारे में इतना हमें ज्ञान ना हो, लेकिन आप प्लान कर सकते हैं उसको ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसका प्लान निकाला जा सकता है।